युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की का नया बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि वो युद्ध जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सैनिकों को हर वो चीज देंगे जिससे रूस के सैनिकों को हराया जा सके। मतलब साफ है कि नए साल में युद्ध और भीषण होने वाला है, क्योंकि ना पुतिन की सेना हमले से रुक रही है और ना ही ज़ेलेंस्की की सेना पलटवार करने में पीछे हट रही है। जंग के मैदान में उतरे ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खाई नई कसम। नए साल में तबाही का नया प्लान। 10 महीने तबाही घनघोर हुई। 10 महीने में दो देशों की सेनाओं ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन युद्ध अभी भी किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा। अब महायुद्ध में नया उद्घोष हुआ है। दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने जीत के लिए नई रणनीति बनाई है। दो देशों के राष्ट्रपति ने महायुद्ध को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए नई कसम खाई है। अभी हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जंग के मैदान में उतरे, यूक्रेन के सैनिकों से मुलाकात की, बखमुत का दौरा किया। वो डोनबास के दूसरे शहरों में भी गए। अपने सैनिकों से मिलने के बाद लौटे तो नया ऐलान कर दिया। Був там сьогодні, щоб підтримати наших бійців, вручити державні нагороди, подякувати їм, усім нашим героям, тим, хто обороняє там не лише Бахмут і не лише наш Донбас, але й всю Україну. Маємо це розуміти абсолютно всі. ज़ेलेंस्की ने साफ किया कि वो अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी रूस को नहीं देंगे। यूक्रेन की हर इंच जमीन के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। वो यूक्रेन की जीत के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। हर कब्जा किया हुआ हिस्सा रूस से छीन लेंगे। फिलहाल रूस की सीमा से लगे यूक्रेन के 4 राज्य डोनेस्क, लुहांस, ज़ापोरिज़्या और खेरसोन पर रूस का कब्जा है। डोनेस्क के बखमुत शहर में दो देशों की सेनाओं के बीच जोरदार लड़ाई चल रही है। डोनेस्क का दौरा कर लौटे यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि वो डोनेस्क के किसी भी इलाके को रूस के लिए नहीं छोड़ेंगे। यानी नए साल में भी युद्ध लड़ने की कसम ज़ेलेंस्की ने खाई है। उधर ज़ेलेंस्की की सेना के कमांडर ने नए साल में भी युद्ध लड़ने का ऐलान कर दिया है। стосовно тимчасового припинення вогню. Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодної. इससे पहले ठीक ऐसा ही बयान रूस की तरफ से आया था, जब रूस की तरफ से कहा गया कि वो क्रिसमस में भी युद्ध जारी रखेंगे, क्योंकि किसी भी सीज़फ़ायर का ऐलान यूक्रेन की तरफ से नहीं किया गया। साफ है कि चाहे क्रिसमस हो या नए साल का जश्न, दो देशों की सेना एक दूसरे का बारूद से स्वागत करेगी।